संगीन पे धर कर माथा सो। तो हेलो और वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस यदि आप भी 26 जनवरी पर अपने फोटो का इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बनना नहीं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ इस नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है काइन मास्टर। आप काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, जो प्लस का आइकन दिख रहा है सिंपली आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको 16:9 के ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, जो मीडिया का ऑप्शन दिया हुआ है सिंपली आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ सबसे पहले आपको बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम सबसे पहले बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब क्या करनी है आपको 26 जनवरी के PNG को सिलेक्ट करनी है। इसके लिए क्या करनी है फ्रेंड, जो लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ से आपको 26 जनवरी के PNG को सिलेक्ट करनी है। उसको कहाँ से डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड सिंपली हम 26 जनवरी के PNG को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको इस 26 जनवरी के PNG के लेयर पर क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको इस 26 जनवरी के PNG के साइज को थोड़ा छोटा करनी है और यहाँ पर इसको अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है। फ्रेंड्स यहाँ हम 26 जनवरी के PNG को अच्छी प्रकाश फिट कर दिए हैं। और क्या करनी है आपको इस 26 जनवरी के PNG को कलर करनी है। इसके लिए क्या करनी है आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ से आपको स्क्वायर वाला वीडियो को सिलेक्ट करनी है। उसको कहाँ से डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड सिंपली हम कलर वाला वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, इस कलर वाला वीडियो को यहाँ से रोटेट करनी है। रोटेट करने के बाद क्या करनी है आपको इस कलर वाला वीडियो को 26 जनवरी के PNG के ऊपर अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है। इसके बाद क्या करनी है कि फ्रेंड्स यहाँ से आपको नीचे आनी है, यहाँ जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस ओवले का ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड्स यहाँ हमारा 26 जनवरी के PNG कलर हो गया है। अब क्या करनी है आपको, जिसके फोटो पर वीडियो बनना चाहते हैं उसके फोटो को सिलेक्ट करनी है। फोटो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करनी है कि फ्रेंड्स आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ आप जिसके फोटो पर वीडियो बनना चाहते हैं उसके फोटो को सिलेक्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं उस फोटो को सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आपको इस फोटो कलर पर क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको इस फोटो के साइज को थोड़ा सा बढ़ानी है और इसको इस साइड में लाकर अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम इस फोटो को अच्छी प्रकाश फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है फ्रेंड, जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस डुप्लीकेट वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही फोटो का डुप्लीकेट लेयर बनकर तैयार हो जाएगा। अब क्या करनी है आपको इस फोटो को डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करनी है और इसको इस साइड में लाकर अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, जो रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको फर्स्ट ला मिरर के ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको इस फोटो को यहाँ पर अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है। फ्रेंड्स ये हम दोनों फोटो को अच्छी प्रकाश फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है आपको, जिसके नाम पर वीडियो बनना चाहते हैं उसके नेम को यहाँ पर नीचे लिख लेनी है। नेम को लिखने के लिए क्या करनी है कि फ्रेंड्स आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस टेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ आप जिसके नाम पर वीडियो बनना चाहते हैं उसके नेम को लिख लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ हम नेम को लिख लेते हैं।
यहाँ आपको इस नेम कलर पे क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, डबल ए का ऑप्शन दिया हुआ उस पर क्लिक करनी है। यहाँ आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएगा, जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पोर्ट रिफंड उठना चाहते हैं तो ऊपर ब्राउज का ऑप्शन क्लिक करके आप पोर्ट रिफंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, इस नेम को नीचे लानी है और इसके साइज को बढ़ाकर इसको यहाँ पर अच्छी प्रकार फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, ये हम नेम को भी अच्छी प्रकार फिट कर दी है। अब क्या करनी है आपको, इस नेम को कलर करनी है। नेम को कलर करने के लिए क्या करनी है कि फ्रेंड्स, आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ से आपको कलर वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेनी है, उसको कहाँ से डाउन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम कलर वाला वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, इस कलर वाला वीडियो के साइज को थोड़ा छोटा करनी है और इसको नेम के ऊपर लाकर अच्छी प्रकार फिट कर देनी है। इसके बाद क्या करनी है कि फ्रेंड्स, यहाँ से आपको नीचे आनी है। यहाँ जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से आपको इस ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा नेम भी कलर हो गया है। अब क्या करनी है आपको, फोगल लेयर को सिलेक्ट करनी है। फोगल लेयर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करनी है फ्रेंड्स, आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस ओवरले का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिस्टीरियस फोग का, यदि आपने डाउन नहीं किया है तो नीचे गेट का ऑप्शन क्लिक करके आप इसे डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम मिस्टीरियस फोग के ऑप्शन क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको फोर्थ नंबर वाला फोग के लेयर को सिलेक्ट करनी है और यहाँ आपको इस फोग के लेयर पर क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको, इस फोग के लेयर को नीचे लानी है और यहाँ पर इसको अच्छी प्रकार फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम फोग के लेयर को भी अच्छी प्रकार फिट कर दी है। और क्या करनी है आपको, फायर लाइट के लेयर को सिलेक्ट करनी है। फायर लाइट के लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस ओवरले का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फायर लाइट का, यदि आपने डाउन नहीं किया है तो नीचे गेट में का ऑप्शन क्लिक करके ऑप्शन डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम फायर लाइट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको फोर्थ नंबर वाला फायर लाइट के लेयर को सिलेक्ट करनी है और यहाँ आपको इस फायर लाइट के लेयर पर क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको, इस फायर लाइट के साइज को बढ़ानी है और इसको स्क्रीन पर अच्छी प्रकार फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम फायर लाइट के लेयर को भी अच्छी प्रकार फिट कर दी है। चलिए प्ले कर देखते हैं हमारा वीडियो कैसा बना है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया है, बस इसको एक्सपोर्ट करनी है। इसके लिए क्या करनी है फ्रेंड, जो शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है। यहाँ अपने वीडियो को जितने साइज में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उतने साइज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।